बाय सेल रेंट प्रॉपर्टीज एट propnation.co.in। आज का वीडियो बेस्ड है इंदिरापुरम में एक प्रोजेक्ट पर और ये प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव इन। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसके आसपास आपको काफी सारे मॉल्स, काफी सारे पेट्रोल पंप्स, मेट्रो जो है नोएडा की वो भी इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ती है। तो ये कहने का मतलब है कि काफी अच्छी लोकेशन पर बना हुआ ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स अवेलेबल हैं। और आज हमने जो यूनिट्स यहाँ पर फीचर किए हैं वो 2 BHK विद स्टडी रूम और एक 3 BHK विद 2 टॉयलेट्स किया है हमने फीचर। अभी जो आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट का ग्रीन एरिया है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सीढ़ियां बनाकर दी गई हैं। हर टावर में आपको 2 स्टेयरकेस और 3 लिफ्टें या 2 लिफ्टें दी गई हैं। टावर टावर थोड़ा वेरिएशन आता है। ये अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2 BHK विद स्टडी का लेआउट। और अब हम फ्लैट पर पहुंच चुके हैं। फ्लैट में आपको एंट्री पर ये छोटा सा फायर दिया गया है और कुछ इसी तरह दिखेगा फ्लैट जो आपको डिलीवर होगा। इसमें ये टेक्सचर पेंट और जो भी फिटिंग्स आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड यूनिट का पार्ट है। ये लिविंग और डाइनिंग के एरिया के साथ में सटा हुआ है किचन। इसमें आपको रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस भी दिया गया है। ये है इसका स्टडी रूम। यहां पर आपको मिलती है ये बालकनी। बाहर के जो व्यूज है वो कुछ इस तरह के रहने वाले हैं क्योंकि ये पूरा एक डेवलप्ड एरिया है इंदिरापुरम। यहाँ पर सबसे पहले डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था गाजियाबाद में, जो हाई राइज डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चारों तरफ काफी हाई राइज दिखेंगे और दिल्ली और नोएडा दोनों ही यहाँ से बहुत नजदीक हैं। ये एक बार फिर से स्टडी रूम का व्यू, ये एक बार किचन से देख लेते हैं। किचन की जो बालकनी है ये काफी बड़ी है और ये शेयर्ड है एक बेडरूम के साथ में भी। और जो सामने आप रोड देख रहे हैं इस पर आपको काफी सारे मॉल्स भी मिलेंगे, काफी सारे स्कूल्स भी मिलेंगे और सामने ही पेट्रोल पंप भी है। और मेन रोड आप देख सकते हैं, यही इंदिरापुरम की मेन रोड है जो कनेक्ट करती है NH24 और मोहन नगर को। वापस हम ड्राइंग डाइनिंग से अभी आपको दिखाते हैं कॉमन वॉशरूम। और ये इसका फर्स्ट बेडरूम कहा जा सकता है। इसमें आपको वार्डरोब का स्पेस और बालकनी मिलती है। और ये है इसका मास्टर बेडरूम, यहां पर भी आपको वार्डरोब का स्पेस, बालकनी और अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा। जो भी फिटिंग्स हैं हर जगह पर वो एग्जैक्टली आपको ऐसी ही मिल रही है क्योंकि ये एक एक्चुअल यूनिट ही है। और ये है मास्टर बेडरूम की बालकनी। तीनों ही बालकनी सेम साइड में ओपन होती हैं तो आपके जो व्यूज हैं वो सेम ही रहने वाले हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि ये कोई कॉर्नर यूनिट नहीं है। कुछ इस तरह के कॉरिडोर्स हैं। ये है इसका स्विमिंग पूल एरिया। और ये इसकी 3 BHK की यूनिट, उसका लेआउट। इसमें आपको एक स्टोर भी मिलता है 2 टॉयलेट्स के साथ। यहां पर भी आपको एंट्री पर फायर दिया गया है। ड्राइंग और डाइनिंग के साथ में आपको बालकनी भी मिलेगी और कुछ इस तरह दिखता है ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया। ये यूनिट क्योंकि कॉर्नर की यूनिट है तो यहां पर आपकी जो बालकनीज है इस यूनिट की वो 2 तरफ ओपन होती हैं, तो यहां पर आपको डिफरेंट व्यूज मिल जाएंगे। ये अभी आप देख रहे हैं ड्राइंग और डाइनिंग की बालकनी। और अब हम चलेंगे किचन की तरफ। काफी स्पेशियस किचन।
ये कुछ डिफरेंट प्लेसमेंट है, नॉर्मली ऐसा नहीं मिलता है कि किचन के साथ ही आपको ये स्टोर भी दिया गया है। और ये इसकी डेडिकेटेड बालकनी है, यहां से जो व्यूज है वो कुछ इस तरह के हैं। और सामने जो आप ये देख रहे हैं रोड, ये है एलिवेटेड रोड जो दिल्ली टू राजनगर एक्सटेंशन कनेक्ट करती है विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी रेड लाइट्स। एक बार फिर से आप ड्राइंग और डाइनिंग का व्यू देखिए। और ये है इसका फर्स्ट बेडरूम, यहां पर आपको वार्डरोब और बालकनी मिलती है। मोस्टली बालकनी जो है वो 5 फीट वाइड है, सिर्फ एक जो आपने किचन की बालकनी देखी थी वो थोड़ी छोटी है विड्थ में। ये एलिवेटेड रोड का व्यू एक, और पीछे जो आप ये हाई राइज देख रहे हैं ये सब राजनगर एक्सटेंशन है जिसके काफी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको आप चेक कीजिएगा। और ये सब इंदिरापुरम के हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर। इंदिरापुरम के वीडियोस की काफी डिमांड की गई थी, हमने उसको कंसिडरेशन में रखते हुए ये वीडियो को अपलोड किया है। और ये इसका है कॉमन वॉशरूम, ये सेकंड बेडरूम, यहां पर भी आपको वार्डरोब का स्पेस और बालकनी वही वाली है जो आपने इससे पहले वाले बेडरूम में देखी है। ये है इसका मास्टर बेडरूम, यहां पर आपको वार्डरोब का स्पेस और एक सेपरेट बालकनी मिलती है। और जो स्पेस आप देख रहे हैं हो, जो एक वॉल के अंदर एक पूरी कटिंग हुई है, ये फॉर विंडो एसी हो रखी है। ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम, क्योंकि इस यूनिट में आपको दो वॉशरूम मिलते हैं तो ये सेकंड वॉशरूम कहा जा सकता है। शावर एरिया, और अब बेडरूम से आपको दिखाते हैं ये बालकनी है, इसके क्या व्यूज हैं। ये प्रोविजन है विंडो एसी के लिए, और ये पूरा एलिवेटेड रोड इस तरफ दिल्ली है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर है राजनगर एक्सटेंशन। और ये है इसका किड्स प्ले एरिया, ये जिम, सब कुछ ऑपरेशनल है, लेकिन क्योंकि अभी कोरोना की वजह से मोस्टली चीजें बंद हैं, ये सब चीजों में को यूज करने की अनुमति नहीं है सरकार की तरफ से, तो इनको मोस्टली बंद ही रखा गया है। इसलिए आपको यहां पर कोई जिम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज ये काफी हैपनिंग प्लेस है। जो भी हाई राइज में आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी एमेनिटीज आपको यहां पर अवेलेबल हैं। ये जिम का एंट्रेंस है, और ये लिफ्ट लॉबी कुछ इस तरह की मिलती है। और ये इन्होंने कॉमन एरिया को भी काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अभी आपको एक बार ग्रीन पैच जो है इसका वो दिखा देते हैं। ये एक एल शेप में बना हुआ पार्क है, जिसमें आपको सिटिंग के लिए प्रोविजन दिया गया है। कुछ इस तरह दिखती है ये बिल्डिंग।
आइए हम नजर डाल लेते हैं इसके क्लब एरिया पर, जहां पर आपको इंडोर गेम्स वगैरह हम आपको दिखाएंगे। अभी जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन एरिया का एक बार फिर से लुक देखा आपने, और ये अब हम पहुंच चुके हैं इसके इंडोर गेम सेक्शन में। यहाँ पर आपको काफी सारी एक्टिविटीज के लिए साधन उपलब्ध हैं। और यहां से जो बाहर के व्यूज हैं वो भी काफी अच्छे हैं। ये एक बैडमिंटन कोर्ट है बाहर बना हुआ, ये डिफरेंट एंगल से आप क्लब का व्यू देख रहे हैं। और ये है इस प्रोजेक्ट का साइट प्लान। लोकेशन वाइज ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपको नोएडा या दिल्ली के नजदीक रहना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, और काफी बजट में भी है। प्राइसिंग की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।